असलम फ्रेंड्स फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि अभी टेंथ के पेपर बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं तो उस सिलसिले में आपने तैयारी भी करनी है तो आप ये भी जानते हैं कि पास्ट पेपर से आपको काफ़ी हेल्प भी मिलती है तो पास्ट पेपर में अभी ये पेपर आपके पास जो है सामने क्लियर नहीं है बट मैं आपको टोटली हर क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूँगा कि उसने क्या लिखा है तो सबसे पहला क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन में कि राइट टू क्रेक्टिस्टिक्स ऑफ इवर्जिबल केमिकल रिएक्शन तो इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन की दो आपने करेक्ट्रिस्टिक्स खूसियात लिखनी है सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट एंड थर्ड वन इज इफ यू हैव क्यू सी इज लेस देन के सी सो देन प्रोडक्ट सॉरी द प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन तो केमिकल रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो प्रिडिक्ट करनी है आपके पास चौथा क्वेश्चन है कि आपके पास एक इक्वेशन दी गई है जो कि एच टू प्लस आई टू इट गोज टू फॉर्म टू एच आई तो इसमें इक्वेशन में आपने बताना है कि इक्वलिबियम कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन क्या है तो वो आपने ड्रा करना है इसका लिखना है डिफाइन कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेसिस आपका फिफ्थ क्वेश्चन हो गया सिक्स में कहता है राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ सार्स सार्स की दो खसूसियात लिखनी है नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन एम कंपाउंड एंड गिव एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास राइट डाउन टू यूजेज ऑफ द सोडियम कार्बोनेट सो कार्बो सोडियम कार्बोनेट के दो यूजेस लिखने हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में आपने अगेन फाइव पार्ट्स ही अटेम्प्ट करने हैं तो इसमें अब देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री में कि आपका जो होता है कंडेंस्ड फार्मूला वो क्या होता है और उसकी एग्जाम्पल देनी है इसके बाद आपने कंपेयर एनी वन प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कोई प्रॉपर्टी आपने यूज़ करनी है विद इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपेयरिंग करनी है एक प्रॉपर्टी वहाँ से एक यहाँ से दोनों की कंपेयर करनी है सो डिफाइन अमोनिकल लिकोर एंड गिव इट्स यूज़ अमोनिकल लिकोर जो है वो आप उसकी तारीफ कीजिए और फिर उसका इस्तेमाल भी लिखिए देन आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे डिफ़ाइन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एन आल्सो राइट इट्स जनरल फार्मूला फिफ्थ क्वेश्चन है राइट डाउन टू यूजेज ऑफ क्लोरोफॉम सिक्स पे है गिव बैलेंस इक्वेशन फॉर फॉर्म फॉर्मूला इक्वेशन तो आपने इसके लिए ये ड्रॉ करनी है राइट डाउन द सोर्स ऑफ द वाइटामिन डी वाइटामिन डी जो है उसके आपने सोर्सेज लिखने हैं कि वो कहाँ से ऑबटेन हो सकता है आपका लास्ट क्वेश्चन है पार्ट थ्री में जो कि सेकेंड पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चन का हो इज गलेटिन ऑबटेन तो जेलेटिन जो है वो कैसे ऑबटेन होती है जिम्टाना आपने आपने पढ़ा होगा फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है फाइव पार्ट्स ही अटैम्प्ट करने हैं राइट द कंपोजिशन ऑफ द ड्राई एयर ड्राई एयर की आपने कंपोजिशन लिखनी है राइट नेम्स ऑफ एनी टू जो सेकेंडरी पॉलिटन होते हैं उनके नाम लिखने हैं सिर्फ दो के डिफाइन एस रेन इस ड्रेन क्या आती है राइट डाउन टू रीजंस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाटर सो वाटर बॉर्न डिजीज राइट डाउन ये वहाँ से उस टॉपिक से है तो राइट डाउन टू इफेक्ट्स ऑफ द वाटर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन के जो है आपने दो इसरा लिखने डिफाइन मेट एलर्जी वट इज द बलिस्टर ऑफ कॉपर एंड वट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंड द मिनरल्स आपने शॉर्ट क्वेश्चन देख के अब आप डिटेल्ड क्वेश्चन पे हैं तो क्वेश्चन नंबर फाइव का ए पार्ट है आपने मैक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायनामिक कोलेबियम वेरी फर्स्ट चैप्टर में मौजूद है इसी तरह बी पार्ट आपने करना है राइट एनी फोर यूजेस ऑफ द बेस ये आपका इंतहाई आसान क्वेश्चन है दोनों डिफाइन सब्सटीट रिएक्शन एक्सप्लेन इट विद रिफरेंस टू दलोजिनेशन ऑफ द अल्केज सिक्स का ए पार्ट बी पार्ट आपने क्या लिखना है कि गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ द विटामिन वाइटामिन जो होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस लिखनी है मुख्तलिफ वाइटामिन की नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास राइट फोर इफेक्ट्स ऑफ द सॉरी क्वेश्चन नंबर सेवन का ए पार्ट जो था डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द अमोनिया सॉलवेज प्रोसेस अलॉन्ग फ्लो चार्ट अब आपने पढ़ा होगा कि आपने अमोनिया वो उस टॉपिक में पढ़ा होगा जहाँ पे यूरिया वगैरह है तो इस सॉलवेज प्रोसेस वहाँ पर लिखा आपने वो डिटेल्ड में यहाँ पे फ्लो चार्ट के साथ बताना है बी पार्ट में क्या है इफेक्ट्स ऑफ द वाटर हार्ड वाटर हार्ड वाटर के आपने कोई से चार इफेक्ट्स लिखने हैं